कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो आप पर आने वाली हर बाधा को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके अलावा पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कौन से सृष्टि में पदार्थ हैं जो आप पर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी प्रकार की मुसीबत आने से पहले वो अपने पर लेकर अपने आप को तबाह कर लेते हैं, लेकिन आप पर कोई आँच नहीं आने देते, लेकिन आप इसको नहीं समझ पाते। और इसीलिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी रक्षा करती हैं और वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री, आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और जो भी बड़े बुजुर्ग मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत 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 अनमोल होता है, उसकी बराबरी किसी चीज़ से नहीं हो सकती। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। परामर्श के लिए शुल्क में काफ़ी कमी की गई है, क्योंकि बहुत से भाई बहन रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि हम इतना पेमेंट नहीं कर सकते। अब आप एक सवाल मात्र 1100 रुपये में पूछ सकते हैं। तो संपर्क कीजिए, मेरे 23 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाइए जिससे कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है घर में डॉग को पालना। जो अपने घर में डॉग को पालते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब कुत्ते पर कोई विपदा आ जाए या कुत्ता आकस्मिक रूप से मर जाए तो वो घर के लोगों पर ही आई हुई विपदा होती है। जो मुसीबत घर के लोगों पर आ सकती थी वो डॉग्स अपने ऊपर ले लेते हैं। तो डॉग्स को स्वामी भक्त ऐसे ही नहीं बोलते। दूसरी चीज़ है पेड़। जिस घर में कोई भी पेड़ आकस्मिक रूप से अचानक सूख जाए तो ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि उस घर पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है जिसकी वजह से उस पेड़ ने वो विपदा अपने ऊपर ले ली है। तो इसीलिए घर में वृक्षारोपण की सलाह दी जाती है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर पीड़ा ले लेते हैं और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाता। इनमें मुख्य पेड़ है नीम का पेड़ और अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ जहाँ होता है वहाँ शोक नहीं होता। नीम का पेड़ जहाँ होता है, नीम का पेड़ आसानी से नहीं सूखता है, ये चीज़ समझिए। नीम का पेड़ वैसे घर के भीतर एकदम नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण ये कि फैल जगह बहुत घेरता है, तो बाउंड्री के बाहर लगा लीजिए। लेकिन फिर भी यदि कोई भी पेड़ अगर अंदर है और सूख रहा है तो इसका इंडिकेशन यही है कि कोई तंत्र बाधा आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए की गई थी और वो उस पेड़ ने अपने ऊपर लेकर आपको बचाया है। नीम और अशोक के अलावा कोई भी पेड़ हो सकता है। अब तीसरी चीज़ रत्नों की बात करें तो रत्नों में फिरोजा रत्न और पन्ना रत्न ऐसे होते हैं जो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधाओं से बचाते हैं। जिस मनुष्य को बहुत ज़्यादा भूत प्रेत का डर लगता है उसे पन्ना धारण करना चाहिए या फिर फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। फिरोजा रत्न को बहुत ही शुभ माना गया है और फिरोजा रत्न के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के पास फिरोजा रत्न होता है वो उसकी माला, इयररिंग्स या ब्रेसलेट पहनता है, उस पर आने वाली कोई भी विपदा उस तक नहीं पहुँच पाती है, बल्कि जिसने उस पर विपदा डाली है उसी पर चली जाती है। तो फिरोजा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन फिरोजा की सबसे खास बात यह है कि फिरोजा कभी भी खरीद कर नहीं पहनना चाहिए। फिरोजा हमेशा किसी के द्वारा अगर कोई गिफ्ट किया गया है तो वो बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है या कोई बुरी नीयत आपके ऊपर रखी हुई है किसी ने, तो ये रत्न या तो क्रैक हो जाता है या गिर जाता है या फिर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। अब इसके अलावा एक और स्टोन है, पत्थर है, वो है ब्लैक टर्मुलिन। ब्लैक टर्मुलिन जो अपने पास में रखता है उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएँ असर नहीं करती हैं। खाद्य सामग्री की बात करें तो पीली सरसों और काली सरसों बहुत कारगर है। इसके अलावा जिस घर में गोबर के कंडे पर तेज पत्ते की और कपूर की धुनी दी जाती है उस घर में भी प्रेत बाधाओं का आतंक नहीं होता है। लेकिन जिस मनुष्य पर अगर किसी प्रेत बाधा का आतंक हो गया है तो उसके पास में कपूर नहीं जलाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, और उसका निवारण दूसरे तरीके से करना चाहिए। उसके लिए कई वनस्पतियां आती हैं, उनको अगर किसी पोटली में बनाकर रख लिया जाए तो ऐसे मनुष्य पर प्रेत बाधा असर नहीं करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जहाँ गंदगी रहती है वहीं पर भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई रहती है वहाँ भी अगर लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, तो वहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज वास करती हैं, भले ही वो घर कितना चमकता हुआ और साफ सुथरा ही क्यों ना हो।